एगो चला, जानवर के चला, जानवर एगो था वो गाभिन था वो पूरा जल गया है। हाँ पूरा आदमी को ही मारने आया था, पूरा जानवर, पूरा जानवर भी पूरा था ना, आदमियों के मारना आया था, आदमियों को अथियातर खटिया तक लहरा दिया कि आदमियों उसमें जल जाए। घटना तो निंदनीय का जितना निंदा किया जाए वो बहुत कम है, समझ गए। जान बूझ कर हत्या के बर्दाश्त से घुसा गया और घुस कर कि अधमरा करके जब वो चौकी पे गिर गया, हम लोग गांव से हल्ला हुआ था जूटे तो देखे कि पूरा जला हुआ है, जीर्ण शीर्ण है एकदम, आई दर्द के मारे एकदम करा रहा कि अब हम नहीं बचेंगे। आदमी आए थे और अंदर हेल करके पूरा उनको पहले मारा, भर मतलब मारा, एकदम जान से मारने के पूरा ख्याल से आया था, जब मर गया तो छोड़ दिया, ठीक है, उसको आके मर गया। हाँ मर गया, तो उन लोग भाग गया, ठीक है, भाग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बाइक था, जो भी बाइक देख रहे हैं, एक बाइक देख रहे हैं, ये बाइक को पेट्रोल निकाला इसमें से, और पेट्रोल निकाल कर पूरा सामान गाय वो था, ये गाय भी मर गई। आदमी था वो कह रहे दस पंद्रह के अथी में था, दुश्मनी भी था, मतलब दुश्मनी तो यहाँ नहीं था, वो आगे पीछे के जैसे दुश्मनी थी, किसके की यहाँ नहीं रहता है, हैं तो तीन चोर ऐसे जैसे कि लौटा, एक चोर वाला जैसे कि ऐसे मुँह गया, जमारा जैसे कि ये वाला जैसे कि हुआ, ये वाला जैसे कि हुआ, मतलब पूरा अंदरूनी आप लोग को मारा गया। घर जलते माने कि देखे कि घर जल रहा है, हाँ, तो जय हिंद। मैं प्रद्युमन यादवपुर, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है मखदुमपुर विधानसभा के मनियारगंज गांव में। जैसा कि यहां से घटना निकल कर आ रही है कि रात में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया और मतलब घर में आग लगा दिया गया, जिसे देखिए यहाँ पर एक बाइक लगी हुई है, ये देखिए पूरा जल गया है, और मतलब बहुत मवेशी उवेशी को भी मतलब बहुत क्षति हुआ है, गाय भी जल गया है, और मतलब बहुत सामान को मतलब क्षति पहुंचाया गया। क्या इसका पूरा सच्चाई है, घर वाले से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शशि रंजन कुमार हुआ जी। मेरे बड़े भाई थे जी। तो रात को हमको मालूम चला कि घर में अज्ञात लोगों ने 10-15 के आदमी आए थे और अंदर हेल करके पूरा उनको पहले मारा, भर मतलब मारा, एकदम जान से मारने के पूरा ख्याल से आया था, जब मर गया तो छोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसको आके मर गया। हाँ मर गया, तो उन लोग भाग गया, ठीक है, भाग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बाइक था, जो भी बाइक देख रहे हैं, एक बाइक देख रहे हैं, ये बाइक को पेट्रोल निकाला इसमें से, और पेट्रोल निकाल कर पूरा सामान गाय वो था, ये गाय भी मर गई। हाँ, और उसके बाद जितना घर का सामान था उस सब में आग लगा दिया, जेवरात से लेके कपड़ा लत्ता सोना चांदी जो भी था, कुछ कागजात भी था, वो सब जला गया। ऐसा आदमी है जो यहाँ पर थे जब उस टाइम कर रहा था, कौन थे, क्या घटना हुआ था? हम रात को सोए थे तो मेरे पापा आके कहे कि जल्दी उठो, आग लग गया, ऊपर चलो। तब पापा कहे कि जाके वहां से पापा को बुलाओ जल्दी, तो हम बुलाए तो वो सब आए, तो एक बाबा आ रहे थे तो दो चोर उनको मार के उधर उधर भाग। कहां के थे, पता चला था कुछ कहां के थे? नहीं, दुश्मन आदमी कहां के थे, जो कुछ चिन्हे थे आप लोग? नहीं, आप लोग नहीं चिन्ह पाए थे? गमछे लगाए हुए थे पूरा। मतलब कितना बजे की घटना? लगभग 12 बजे। उस टाइम में सब सोए हुए रहते हैं अधिकतर लोग। हाँ हाँ, आपको भी मारा गया? हाँ, ये मतलब पीटा भी गया पूरा एकदम। घर से आप लौट आए, मारा हुआ। कितना आदमी था? वो कह रहे 10-15 के अथी में था। दुश्मनी भी था, मतलब दुश्मनी तो यहाँ नहीं था, वो आगे पीछे के जैसे दुश्मनी थी, किसके की यहाँ नहीं रहता है, हैं तो तीन चोर ऐसे जैसे कि लौटा, एक चोर वाला जैसे कि ऐसे मुँह गया, जमारा जैसे कि ये वाला जैसे कि हुआ, ये वाला जैसे कि हुआ, मतलब पूरा अंदरूनी आप लोग को मारा गया। हाँ, उसके बाद घर जलते माने कि देखे कि घर जल रहा है, हैं तो वो घर में था, बच्चा लोग जैसे कि उसको पहले जैसे कि हम टटोल लोग किए, उसके बाद मैंने ताला लगा लिया। ताला भी लगा दिया था? ये ताला लगा हुआ है, देखिए ताला लगा हुआ है, जैसे कि देखिए ताला लगा हुआ है, देखिए ताला, बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से ताला लगा दिया, उसको देखिए सीढ़ी से जैसे कि उसको निकाला गया। आइए थोड़ा सा अंदर, आइए थोड़ा सा, देखिए अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे, देखिए पूरा जला हुआ है,
देखिए पूरा क्या? दुगो मोबाइल था, पहले आया ना दुश्मन तो पहले भैया बुजुन उधर कन्हू रूम में ना घुसा, पहले भैया के देखा तो कहा कि ये है ये मिल गलो ये एकरे मारेलू है ये मिल गलो एकरे आके भैया बुजुन दुगो मोबाइल था बड़ा बड़ा मोबाइल था लगता है महंगा वाला था ज्यादा दिन लीवा ना हुआ भी है और पूरा चूर दिया और चूर दी के इधर फेंक दिया और फेंक के और पूरा हिरोनी मार मारा है पूरा इधर इधर सगरो कमर में। आप लोगों को शक नहीं? नहीं कोई शक नहीं था सर, देखे नहीं बाहरी दुश्मन था। हाँ बाहरी दुश्मन था आके मार। हम लोग 10:30 बजे हम गए थे यहाँ से भैया के खाना खिला के और मम्मी गई थी लगता है कि 11:15 बजे यहाँ पर नहीं रहते थे यहाँ पर मतलब कम लोग। हाँ खाली भैया थे एगो बाबू था रोज हमको भैया मतलब भाभी चल जाते कानून ड्यूटी उप्टी पर अथी ट्रेनिंग व्रेनिंग में तो भैया हमको कहते थे कि सूत रहो तो कल बाबू के ना स्कूल जाता था बाबू तो कल छुट्टी हो गया है स्कूल में अथी का गर्मी का तो भैया ना कहे सूतने के लिए आओ का तो हम ना सूते और फिर वही हुआ। आप भी पहले रहते थे लेकिन आज हाँ कल नहीं थे किया हुआ के भैया के हम लोग चल गए और फिर वही आया और पूरा मारा इधर इधर। हम लोग तो पहले क्या सोचे कि अथी दुश्मन नहीं है हम लोग पहले हालांकि चोर अथी लाइन के कि लाइन से आग लग ले हो और लाइन से आग लग गया लाइन से आग लग गया और फिर हम लोग भैया निकले हम लोग रो रहे थे कि भैया के निकालो भैया के निकालो तो हम लोग सोच भी ना किए कि मतलब अथी तो हम लोग सोचे कि उधर होंगे भैया और छठा पर बाबू था तो छाता पर बाबू था तक फिर कैसे कैसे ऊंचा चहाड़ा वैसे में है। शासन की सरकार में से नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे हो रहा है क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हाँ मुआवजा मिलना चाहिए क्षति हुआ उसका सजा मिलना चाहिए उसका सजा न तो अभी मेरा भाई 6 गो है हम लोग बहन 6 गो है और ना तो कहीं ना कहीं ना गुरी लेगा जो कोई पता नहीं है सर। करवाना चाहिए चोर को उसके ऊपर करवाइए। कौन हुए? हम बहन है उनको। हाँ तो उसको चोर के पकड़वाइए और मुआवजा दिलवाइए। दुश्मन है वो भैया के मेरा दुश्मन है बहुत मारा है हमको भैया के खाली। अभी सांसद का चुनाव हो रहा है तो सांसद से कोई मिल रहा है? हाँ नहीं नहीं संजत नहीं कोई नहीं कोई ना मिल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं पुलिस आई है कि नहीं? पुलिस आई है। हाँ पुलिस आई है आई ऐसी फोटो उठो लेके खाली चल गया ऐसी पता ना वो मतलब प्रशासन को चला जानवर जानवर एगो था वो गाभिन था वो पूरा जल गया है मतलब मर गया। हाँ पूरा आदमी को ही मारने आया था पूरा आदमी जानवर पूरा जानवर भी पूरा था ना आदमियों के मारना था आदमियों को अथियातर खटिवातर लहरा दिया कि आदमियों उसमें जल जाए तो उसमें जल गया उधर से कमाड़ी लगा दिया कमाड़ी लगा दिया बस उसमें सोचा कि निकलेगा कैसे वो तो मर गया आदमी निकलेगा कैसे इसीलिए ले ले था कि ना ले था वो भैया गया भर्ती है हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा मार है सगरो इसम चोट है बहुत चोट है बहुत चोट है हाँ सूत गए थे इस पर बेड पे तो उनको लगा ना बेहोश हो गए तो उनको लगा ना दुश्मन के लगा कि मर गया तो मर गया तो थोड़ा देरी पर मतलब अथी में से पेट्रोल में से तेल निकाला अथी में से गाड़ी में से और पेट्रोल छीटा उनको अंदर भी छीटा अंदर पूरा लहर रहा था उनको अथी बेड के अंदर ताला तो लेके आया होता ताला मारा नहीं ताला घरे वाला था गोलू चाल पड़ा ऊपर से। अच्छा थोड़ा सा घर दिखाइए इधर देखिए पूरा घर का हालत आप लोग देख सकते हैं देखिए किस तरह से मतलब तोड़ा गया पूरा घर को ये समझिए कि ये जंगल राज है समझिए ये सुशासन की सरकार में जंगल राज है। देखिए पूरा जो पहले लोग कहते थे कि जंगल राज है असली जंगल राज ये। नीतीश कुमार से क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जैसे कि जो माने कि गुंडागर्दी का राज चल रहा है जैसा उसको मैंने हटा दिया जाए उसके कोई मतलब खौफ नहीं है चोर में कोई ना वो सब तो आओ जैसे कि निर्दर्दी हो जैसे उसका आया हो गया और पुलिस कुछ करता है और घूस लेके जैसे कि अपना बैठ रहता है आप लोग के हिसाब से कुछ ना पुलिस तो कुछ कर पुलिस वो ना सब बूथ गया था तब पुलिस आया था सर 3:30 बजे 3 बजे सब हम लोग अपने में पूरा पूरा घर को एकदम सामान पूरा बिखरा हुआ है पूरा देखिए एकदम पूरा जला उला है यहाँ पर पता सुतल हुआ था ना वहाँ पर सुतल था भैया हमको भैया होते पड़ी सुतल थे बाबू ने मार दिया सुतल था यहाँ पे मुर्गी जैसे कि सब ऊपर रहता था मुर्गी मर गया है ना ठीक है मतलब देखिए पूरा एकदम जलाने का पूरा प्रयास किया गया था देखिए इधर भी हाँ
कहाँ पर बच्चा कहाँ सुतल था? बच्चा यहाँ सुतल था और पूरा ओढ़ के ना पता चल रहा था, ये वाला तो पूरा झकल था सर, जो पता ना चला तो उसको पता लगा कि कोई है ये नहीं है। ऐसे ही उतरा। चलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इनको इंसाफ दिलाया जाए। दुश्मन को पकड़िए सर, दुश्मन को मेरा पकड़ दीजिए। आप लोग को पता नहीं? कुछ पता नहीं चला सर। भैया आएंगे तो पता चलेगा, लंबा लंबा था दुश्मन सर, पता न कोई लंबा लंबा हमें देखे और एगो मारा जैसे कि साधारण जैसे कि था, डंडे से जैसे कि मार के निकलते रहा उत्तर की ओर जैसे कि गया। अब उधर लोग कह रहे हैं कि गाड़ी से आया था क्या से आया था, हम तो उधर देखे गए ना गया। चलिए थोड़ा सा बाहर के लोग से पता करते हैं, गांव के लोग क्या बोलते हैं इस घटना के बारे में। गांव के लोगों से बोलते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस घटना पर? क्या क्या कहना चाहते हैं इस घटना पर? एक घटना तो निंदनीय का जितना निंदा किया जाए वो बहुत कम है, समझ गए। जान बूझ कर हत्या के बर्दाश्त से घुसा गया और घुस कर कि अधमरा करके जब वो चौकी पे गिर गया, हम लोग गांव से हल्ला हुआ था जूटे तो देखे कि पूरा जला हुआ है, जीर्ण शीर्ण है एकदम, आई दर्द के मारे एकदम करा रहा कि अब हम नहीं बचेंगे। कैसू करके ग्रामीण हम लोग सब जूटे तो ऊपर घींच के निकाले, निकालने के दरमियान में फिर पुनः थाना पर लेके गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए। आप क्या मतलब कैसा दुश्मनी मानते हैं, राजनीतिक दुश्मनी के कुछ? इसको तो राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं मानते हैं, लेकिन अब उसके क्या है भाई, अब तो वही बता सकते हैं अंदरूनी बात है, बाकी तो विशेष नहीं कुछ बता। मंत्री विधायक आए हैं कि ना? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब खाली वोट लेने के अधिकारी है, इसलिए हम लोग टोटल के टोटल बहिष्कार करेंगे वोट का। खाली वोट चाहिए उन लोग के, बाकी जनता के कोई सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन काम हुआ है, प्रशासन भी आया है तो इन्फॉर्मेशन करने के 2 घंटा के बाद ये हालात है प्रशासन का। चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।